लोकल हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने मान सुदून की राम राम। तो भाई आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, अपन ने बातचीत करी थी पवन तय। पवन तय बातचीत क्यों करी थी, एक मामला सामने आया था किसका, सोनू का, सोनिया का मामला आया था। उसके अंदर जो पवन के ऊपर कुछ आरोप लगे थे, आरोप के लगे थे जिसके साथ सोनिया भागी हुई है, जिस लड़के के साथ है, उसमें सोनू ने कहा था कि पवन पंडित ने मेरे लगे ये बोला है कि जो तेरा पीछे बना है वो पीछे ले लिए तो और समझौता कर ले इस मामले में। यह बात जो सोनू ने कही थी, उसके बाद में पवन का हमारे पास फ़ोन आया कि भाई ये जो उसने बोला ये गलत बोला है, उसका गलत फहमी हुई है कि मैंने यह बात नहीं बोली और आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। तो फिलहाल अपने गले लाइव जुड़ गए हैं सोनू, आप इनते एक बार बातचीत कर लेंगे इस मैटर के ऊपर, कितने क्या बात साची है, यो साचा है या फिर पवन साचा है के कुछ, यो पूरा मैटर है। तो नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई, एक बात सामने आई थी जो मैंने अभी आप बताई है, एक बार उसके बारे में आपका के कुछ कहना है कि पवन सच बोल रहे हैं, पवन पंडित जी जो वो सच बोल रहे हैं या फिर आप सच बोल रहे हो। वो बात मेरा सोचने समझने में फ़र्क रह गया था। मतलब के फर्क रह गया था आपका सोचने समझने में? वो कह रहा था दूसरे बार आगे जो था मांडा फ्री करो ना, वो खर्चा पानी दुआ दो, लेकिन मैं दूसरा गाइड कर रहा था, वो मेरा दिमाग थोड़ा अपसेट हो रहा था। अच्छा, मतलब कि उसने यह बात बोली थी कि जो तेरा खर्चा पानी लग गया है, एंड फ्राई का, कागज कार्रवाई का, तेल पानी का जो भी खर्चा लग गया मैं वो आपने दुआ दूंगा, और आपने के समझा? मैंने दूसरा गाइड हो गया था। अच्छा, उस टाइम पैसा कुकर सुनी भाई आपने, अलग बात सुन ली, दिमाग तालमेल नहीं इसका, तो दिमाग प्रेशर हो रहा था मेरा, दिमाग अपसेट। अच्छा, किस वजह से उस टाइम पर जो आपका दिमाग अपसेट था? जब घर पर इसी आपत्ति पड़ जाता है दिमाग तब अपने आप अपसेट होगा। अच्छा, तो फिलहाल आप इस बात ने कबूल हो कि जो है मैंने पवन पंडित के ऊपर आरोप लगाए थे वो गलत थे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगू उससे। तो भाई पवन ने जो बात कही थी वो ठीक थी, वो उसमें सच्चाई थी। और फिलहाल जो है सोनू का कहना कि जो है मैंने गलत फहमी तो कुछ और सुन लिया, उसने कुछ और कहा था। तो भाई फिलहाल आप मौजूद हैं सोनू का घर पर और आपने बातचीत कर लिया, आपने भी देख लिया, और आपका क्या कुछ कहना है इनके विचार प्रति आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दियो।